आइए सुने चिंतन। आज का विषय है कर्म। वाचक स्वर हैं स्वामी धर्मेंद्रानंद जी के। आज का ये संसार जो इस धरा के ऊपर कर्म करने के लिए उस ईश्वर ने आजाद किया, स्वतंत्रता दी, और उस कर्म को इंसान जाने बिना वास्तव में उसके फल की प्राप्ति नहीं कर सकता है। आज प्रत्येक इंसान ये बात कहता हुआ नजर आता है कि ईश्वर ने हमें कर्म करने की आजादी दी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान उस कर्म को जाने तो सही, आज कर्म जानने की आवश्यकता है। जिस किसी इंसान को देखो, क्योंकि जी अपने बच्चों को पाल रहा हूँ, अपने परिवार का पालन पोषण मैं कर रहा हूँ, बच्चों की स्टडी है, अपना बिजनेस है, और यही कर्म है। लेकिन हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि जिस वक्त एक इंसान कर्म को जान लेता है कि वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। आज हमें उस कर्म को जानने की आवश्यकता है, किस कर्म को करने के लिए हमारे संत महापुरुषों ने इंसान के ऊपर जोर दिया। कबीर साहब जी अपनी वाणी में कहते हैं, कहते और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म ने कर्म, कह कबीर पुकार के भक्ति कर तज परम। कहते कि और कर्म सब कर्म है, लेकिन भक्ति एक ऐसा कर्म है जो भी इंसान कर्म करता है वो इंसान के कर्म बंधन का कारण बनता है। आज आप किसी को मान लो कुछ धन उधार देते हैं, कल को वही धन उसको वापस लुटाना पड़ेगा, और लेने के लिए इंसान को उसके पास भी जाना पड़ेगा। एक इंसान उस चक्र में बंधता जाता है, अगर उस चक्कर से मुक्त होना चाहता है तो ये संसार के कर्म तो प्रत्येक इंसान को बांधने का कार्य करते हैं। और भक्ति कहते भक्ति एक ऐसा कर्म है जो इंसान को सब कर्मों से मुक्त करता है, क्योंकि भक्ति में स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ से मतलब ये कि जैसे एक इंसान किसी भौतिक कार्य को करता है, किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए हार्ड वर्किंग करता है, पूरे दिन मेहनत करता है, पता है कि शाम को इसका फल मिलेगा, उस मजदूरी को इंसान लेकर खुश होता है, लेकिन जिस कर्म को कर इंसान को वास्तविक आनंद मिलना चाहिए उसको इंसान जानना नहीं चाहता। जब तक एक इंसान के जीवन के अंदर पूर्ण रूप से भक्ति नहीं आती, जिसके बारे में रामचरितमानस में आता है कि राम भक्ति चिंताओं मणि सुंदर, कहते राम की भक्ति चिंताओं का हरण करने वाली उस मणि के समान है। और जिस इंसान के पास ये भक्ति रूपी मणि आ जाती है वो इंसान कभी दुखी नहीं हो सकता, और उसी मणि की प्राप्ति, उसी भक्ति की प्राप्ति करने के लिए इंसान इस धरा के ऊपर आया है। और इंसान को वो कर्म करना है जिस कर्म को करने से इंसान को उस भक्ति की प्राप्ति हो जाए। और जब ऐसा ही कर्म एक इंसान के जीवन में आ जाता है उस वक्त वो सब कर्मों से मुक्त हो जाता है। कि हमारे संत कहते हैं कि कर से कर्म करो बिदनाना, मन में राखो कृपा निधाना। और कहते इस कर्म को करने के लिए ये नहीं कि इंसान को अपने कार्य व्यवहार छोड़ने पड़ेंगे। अब अर्जुन को जिस वक्त कर्म का बोध कराया, उस भक्ति के बारे में जनाया, तो अर्जुन से ये कहा कि अर्जुन तू युद्ध भी लड़ और अपना जो उस ईश्वर का भजन चिंतन है सुमरण है वो भी कर। आज देखा जाए कि आज के संत कहते हैं कि भक्ति के लिए समय निकालो, लेकिन इंसान के पास इतना समय कहाँ। इंसान अपना व्यवहारिक कर्म भी करे और उसके साथ उस भक्ति को भी करे, उस कर्म को जानकर करे। और ये भक्ति जो है कोई बाहरी आडंबर या पाखंड नहीं है, भक्ति कैसी है इंसान को पाखंड से निकालती है। और जब इस भक्ति कर्म को इंसान जान लेता है तब उसके जीवन के अंदर वो सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि प्रत्येक कर्म इंसान को उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए दिया गया। जैसे इंसान एक मंदिर में जाता है, मंदिर का भावार्थ क्या है, अगर मंदिर शब्द का चंदी विच्छेद कर देखे तो मन प्लस अंदर यानी कि मन के अंदर, जब इंसान मंदिर में जाता तो ईश्वर की प्रतिमा को देखता है। हमारे संत कहते कि जैसे ऐसे ही एक इंसान एक सतगुरु के माध्यम से जब अपनी बॉडी अपने शरीर के अंदर उतरता है, ये तन भी एक मंदिर है जिसको कहा गया ह्यूमन बॉडी इज अ टेम्पल, मानव शरीर एक मंदिर है जिसके अंदर वो परमात्मा बैठा हुआ है, और उस ईश्वर को देख लेना ही इंसान का वो एक ऐसा कर्म है जो उसको इस संसार के बंधन से मुक्त कर सकता है। आज आवश्यकता है तो उस ईश्वर को जानने की, और जिस कर्म से ईश्वर को जाना जाए वो यही कर्म है कि इंसान भक्ति को अपने जीवन में ले आए। भक्ति का मतलब होता है जुड़ना, एक होती विभक्ति एक भक्ति, भक्ति के साथ जुड़कर ईश्वर के कर्म का बोध होता है और उसी कर्म के आधार पर इंसान जीवन को सफल बनाता है। श्रोतों अभी आपने सुना चिंतन। आज का विषय था कर्म और वाचक स्वर थे स्वामी धर्मेंद्रानंद जी के। वीडियो भी 326.7 मीटर यानी 918 किलोवाट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।